माझं नाव राहुल सावरकर नाही, राहुल गांधी आहे, त्यामुळे मी कदापि माफी मागणार नाही, अशा शब्दात राहुल गांधींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. रामलीला मैदानावर काँग्रेसच्या भारत बचाव या रॅली दरम्यान ते बोलत होते आणि यावेळी त्यांनी बेरोजगारी आणि शेतकरी आत्महत्याच्या मुद्द्यांवरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं. भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है. मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा. और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा. माफी नरेंद्र मोदी को माननी है. नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है. और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है. सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी. अर्थव्यवस्था है नहीं, थी. पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है. एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान. चिंडिया बोलते थे, चिंडिया. चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया. और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज 200 रुपए, 200 रुपए. हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी. आपको याद होगा 8 बजे रात को टीवी पर आए भाई और बहनों, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ.